बेबाक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। दोस्तों जय हिंद। कहावत है कि दूसरों के फटे में कभी टांग नहीं अड़ाना चाहिए, यानी कि दूसरों के मामले में कभी आपको चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, चाहे भले ही वो मामला आपके पड़ोस का हो, आपके घर परिवार का हो, या फिर आपके किसी पड़ोसी देश से मामला जुड़ा हो। और खास तौर से मामला जब अफगानिस्तान का हो तब तो आपको और भी ज्यादा सतर्क रह करके काम करना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान का इतिहास, भूगोल और वहां की परंपरा ये इस बात की गवाह है कि वहां जिसने भी अपने टांग अड़ाई उसकी टांग टूटी है, उसका शरीर लहूलुहान हुआ है। और खास तौर से अब देख लीजिए, अब वहां पर अफगानिस्तान में, काबुल में, वहां पर तालिबान की सरकार हो चुकी है। तालिबान बकायदा राष्ट्रपति भवन में बैठ करके हुक्म दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, वहां बकायदा अपनी काउंसिल चला रहा है। यानी तालिबान जिसको एक दशक तक, कई दशकों तक जो है आतंकवादी करार दे करके अमेरिका समेत 25-30 देश जो है उससे लड़ रहे थे, एक छोटे से संगठन से अफगानियों के, लाखों अफगानियों की जो है जान गई, कई हजार सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, अफगानिस्तान के सैनिकों ने, और 3,000 के लगभग जो है अमरीकी सैनिकों ने भी अपनी जान गंवाई है अब तक की इस अफगान जंग को लेकर के। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि अमेरिका अपनी सेना को वहां से निकाल रहा है। नतीजा यह निकला कि अमेरिका 3,000 ट्रुप को भेज करके, जो भी उसके राजनयिक हैं, जो भी उसके चाहने वाले हैं, जो भी उसके करीबी लोग हैं, उनको काबुल एयरपोर्ट से अपने अपने देशों के लिए वो बुला रहा है। नतीजा क्या निकला? अमेरिका यहां क्या लेकर के आया था, क्या चाह रहा था और उससे क्या मिला है और क्या लेकर के वो जा रहा है, अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अमेरिका ने जिस कंडीशन में अफगानिस्तान को छोड़ दिया है ये बेहद शर्मनाक है। यानी कि जब तक आपको अफगानिस्तान से मतलब था, जब तक आपको दहशतगर्द के खात्मे के नाम पर लोगों की जान लेनी थी, तब तक तो आपने अफगानिस्तान का जमकर इस्तेमाल किया। लेकिन जब वहां के संगठन एक होने लगे और जब वहां के संगठनों ने आपको चुनौती देनी शुरू की, तो आप उनसे गोलमेज सम्मेलन करते हैं, दोहा में बैठ करके तालिबान से मुजाकरात करते हैं। मुजाकरात का मतलब होता है आमने सामने बैठ करके समझौता करना, बातचीत करना। यानी जो कल तक के आतंकवादी थे, आज अमरीका के साथ बैठ करके उन्होंने इस बात के लिए जोर आजमाइश शुरू कर दी कि कैसे अमरीकी सैनिक वहां से बाहर निकलेंगे। और आज अमरीका वहां से अपनी सेना हटा करके 9-2-11 हो रहा है और अफगानिस्तान को अपने हालत पे छोड़ के जा रहा है। लेकिन क्या हुआ है फिलहाल? फिलहाल ये मामला सुनने में आ रहा है कि अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अशरफ गनी, वो फिलहाल मुल्क बदर हो चुके हैं, अपने ही देश को वो छोड़कर भाग चुके हैं। शुरुआती दौर में ये खबर मिली कि अशरफ गनी ताजिकिस्तान पहुंच गए हैं, लेकिन फिर अब ये सुनने में आ रहा है कि वो ताजिकिस्तान भी छोड़ करके कहीं और जा चुके हैं, एक ऐसे देश में जिसके बारे में हमें नहीं पता कि वो कहां गए हैं। लेकिन ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो अमेरिका ही जाएंगे, क्योंकि अमेरिका उनका सबसे करीबी था और उसी की मदद से वो अब तक सत्ता चला रहे थे। और इसके बाद उन्होंने अपना एक बयान भी जारी किया है, बताएंगे आपको उनके बयान के बारे में, पूरा पढ़कर डिटेल बताएंगे कि क्या बोला है उन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी चीज सुन लीजिए कि तालिबान ने जब काबुल में एंट्री की तो वहां क्या पाया। तालिबान ने कुछ चीजें देखी हैं और कुछ चीजें उन्होंने देखी हैं, उसमें तालिबान के नेता ने कहा है कि वो सभी जो भी अफगान के लोग हैं, चाहे काबुल में हो चाहे काबुल से बाहर हो, यानी हर अफगान शहरी के वो जानो माल की जो है हिफाजत का जिम्मा लेते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगले कुछ दिनों में हर तरह से वो कंट्रोल करने लगेगा अफगानिस्तान को। और उसने एक बात और भी बहुत कायदे से कही है और कहा है कि हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतनी आसानी से काबुल फतह हो जाएगा। यानी कि वो अपना ये मान करके चल रहे थे कि हम 2-3 महीने के अंदर पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन जैसे ही ये खबर सुनने को मिली, यानी 15 अगस्त के दिन दोपहर बाद, कि तालिबान जो है वो काबुल में पहुंच चुका है और अफगान की जो सेना है, अफगानिस्तान की जो सेना है, वो दुम दबा के भाग गई। अब ये सबसे हैरानी वाली बात ये है कि वो सेना जिसे अमेरिका इतने लंबे समय से जो है ट्रेनिंग दे रहा है, 20-25 सालों से उनको ट्रेनिंग दे रहा है, लाखों डॉलर उनके ऊपर खर्च किए, बख्तरबंद गाड़ियां दिए, फाइटर प्लेन दिए, जेट दिए, हेलीकॉप्टर दिए, बड़े से बड़े मुसल्ला तकनीक उनको दिए, ऐसे ऐसे उनको टेक्निक दिए जिससे कि वो युद्ध में, जंग में महारत हासिल कर सके। लेकिन होता क्या है, तालिबान की चंद टुकड़ी पहुंचती है और अफगान की सेना, अफगानिस्तान की जो सरकारी सेना है,
जिसे अमेरिका ने ट्रेन किया हुआ है वो सरेंडर कर देती है, हथियार डाल करके वो चल देती है। हालत ये है अफगानिस्तान की। इसीलिए कहा जाता है कि अफगानिस्तान के फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए किसी भी देश को। वही हाल हुआ जो अमेरिका का हुआ है। इससे पहले आपने सोवियत रूस को भी देख लिया, सोवियत रूस खंड खंड हो गया, टूट टूट के बर्बाद हो गया अफगानिस्तान में आकर। अफगानिस्तान की हिस्ट्री में और भी आप पीछे जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि अफगानिस्तान के लोग जो अफगान के जो कबायली इलाके हैं और जो उनके वहां के छोटे छोटे लड़ाके समूह हैं वो आपस में खूब लड़ते हैं, उनके बीच कभी नहीं जमी। कभी भाषा को लेकर के, कभी फिरके को लेकर के, कभी क्षेत्रीयता को लेकर के अफगानिस्तान में हमेशा अशांति रही है। छोटे छोटे ग्रुप आपस में हमेशा लड़ते रहे, लेकिन उनकी बस एक ही खासियत रही है सबसे ज्यादा जो हर देश को अपनानी चाहिए, और वो ये है कि जब भी उनके देश पर कोई आक्रमण करता है, अटैक करता है, कोई भी विदेशी शक्ति वहां पे अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करती है, तब अफगानी जो जनता है, अफगानिस्तान की यही छोटे मोटे लोग जो आपस में लड़ रहे हैं, ये फौरन मिलकर के एक खड़े हो जाते हैं, अपने मजलिस शूरा बुलाते हैं और सभी एक सुर में लब्बैक कहने लगते हैं और उस विदेशी से लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। और ये अफगानियों की सबसे बड़ी खासियत रही है। यहां मुगल भी आए, यहां फ्रांसीसी भी आए, यहां अंग्रेज भी आए जो कि बुरी तरीके से हार कर चले गए। और सोवियत रूस तो आपने देख ही लिया है कि सोवियत रूस किस तरीके से अफगान मुजाहिदीन से लड़ने की कोशिश में जो है तबाह तबाह हो गया, खंड खंड हो गया, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, उसके अपने देश के हालत खराब हो गए। और फिर जब आप लौटते हैं अमेरिका की तरफ, जब अमेरिका ने जो है ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के नाम पर, उससे बदला लेने के नाम पर जब अफगानिस्तान में अटैक किया, तो उस वक्त तालिबान की ही सरकार थी। जो आज तालिबान खड़े होकर के आप देख रहे हैं, ये तालिबान उस वक्त भी था, यानी कि 1996-2001 तक तालिबान की हुकूमत रही। उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और जिस तरीके से आपने देखा वो पूरा इतिहास आपके सामने पड़ा है। लेकिन अमेरिका ने समझौता करके वापस तालिबान को अपना पांव पसारने का मौका दे दिया। हालांकि जो बाइडन ये कहते हैं कि ये लड़ाई जो है वो अमेरिका की नहीं है, ये लड़ाई यूरोप की नहीं है, ये लड़ाई किसी भी नेटो संगठन की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई अफगानियों की है और इसे अफगानिस्तान की जनता को ही लड़ना पड़ेगा। कुछ चीजें अब आपको बता दें। तालिबान का ये कहना है कि राष्ट्रपति अशरफ गनी फरार तो हो गए, लेकिन फरार होते वक्त वो बड़े बड़े बैगों में भर करके लाखों डॉलर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। $50 लाख जो है कैश वो अपने हेलीकॉप्टर में रखने की कोशिश कर रहे थे, उस विमान में जहां जिसके जरिए वो फरार होना चाह रहे थे, लेकिन राष्ट्रपति भवन के हेलीपैड पर ही वो रह गया, उसे नहीं ले जा सके। अब ये अफरा तफरी का माहौल था या कैसा, लेकिन घबराहट में वो चीजें नहीं जा सकी। और इसके लिए आपको हम एक चीज और बता दें, अफगानिस्तान में बकायदा जो अब वहां की जो नई सरकार अब आने वाली है, यानी तालिबान ने बकायदा अमन बहाली के लिए काउंसिल भी बनाया है। और इस काउंसिल में कौन कौन है उस पर भी आपको थोड़ा गौर करना चाहिए। इस काउंसिल में ऐसे ऐसे नामी गिरामी लोग हैं जिनके बारे में आपने कुछ सोचा ही नहीं होगा। अमेरिका तो वहां से चला गया और जिस कंडीशन में छोड़ करके तालिबान को गया है और अफगानिस्तान को गया है, उसमें देख लीजिए क्या क्या बना है। अमन बहाली के लिए एक समन्वय परिषद बनाई गई है, और इस समन्वय परिषद में कौन कौन है, पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई इसकी अगुवाई करेंगे। इसमें अफगानिस्तान के मौजूदा CEO अब्दुल्ला और जिहादी नेता गुलबदीन हिकमतयार भी शामिल होंगे। अब न्यूज एजेंसी ने जो है तालिबान के सूत्रों के हवाले से कहा है कि संगठन बहुत जल्द ही राष्ट्रपति भवन में इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान का ऐलान करेगा। ये इस्लामिक जो है एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, ये तालिबान का वो पुराना नाम है जिसके लिए वो जाना जाता है। अब देखिए इसमें अब तमाम तरह की तब्दीली हो गई है। मुल्ला सरीन जो है वो काबुल के गवर्नर बन गए, और मुल्ला गनी बिरादर जो है वो अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति बनने की उम्मीद में है, जो कि कतर के दोहा दफ्तर में बैठे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय दफ्तर में। और सुन लीजिए अशरफ गनी ने क्या कहा है। अशरफ गनी जब फरार हो रहे हैं तो उन्होंने एक संदेश लिखा है, और जो संदेश दिया है उसके बारे में क्या लिखा है उसको गौर करें। प्यारे देशवासियों, आज मेरे सामने एक मुश्किल चुनाव था। मैं तालिबान का सामना करने के लिए खड़ा रहूं जो हथियारों से लैस है और राष्ट्रपति भवन में घुसना चाहते हैं, या उससे देश को छोड़कर चला जाऊं जिसकी रक्षा करने के लिए मैं 20 साल दिए हैं।
अगर मैं तालिबान से लड़ने का विकल्प चुनता तो कई नागरिक शहीद हो जाते, काबुल हमारी आंखों के सामने तबाह होता। इस पर 60 लाख आबादी मेरे शहर में बड़ी मानवीय त्रासदी देखती। तालिबान ने ठान लिया है कि मुझे रास्ते से हटाना है, वो यहाँ काबुल और काबुल के लोगों पर हमला करते आए हैं। हम इस खून खराबे को रोकने के लिए बेहतर था कि मैं यहां से चला जाऊं। तो ये एक छोटा सा अंश है उनके भाषण का, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि तालिबान इनके साथ क्या करता भाई? अरेस्ट करता, आपके खिलाफ मुकदमे चलाता? कम से कम इस कंडीशन में आप अपने देश को छोड़कर तो ना भागते? बाकी जो अपोजिशन लीडर हैं हामिद करजई वगैरह, ये आखिर क्यों नहीं भागे? तो जाहिर सी बात है, तालिबान तो अफगानियों की सरकार है, तालिबान कोई और तो है नहीं, वो तो अफगानी लोग ही हैं। और जिस प्रोफेशनल तरीके से तालिबान इस बार इकट्ठा होकर के जंग लड़ा है और बखूबी जंग लड़ते हुए अमेरिका को शिकस्त दिया है और कई नेटो ताकतों को वापस मुंह खाने के लिए मजबूर किया है, ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से बड़ी मजबूती के साथ वो सामने आया है और कामयाब सत्ता चलाने की पूरी कोशिश करेगा। और साथ ही कई देशों को भी इसके लिए एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा, खासतौर से वे देश जो अफगानिस्तान में वहां की सरकारी सेना के मदद के लिए जा रहे थे। फिलहाल क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को, हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।